क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती जी बताइए, किस पद को लेकर आपने नामांकन करी है? मुखिया छिलकौरी पंचायत। किस पद को लेकर के कहां से दावेदारी दी गई है, कौन दावेदारी दिया है? छिलकौरी पंचायत से मुखिया पद के लिए हमारा मैडम सरस्वती देवी उम्मीदवार दिए हैं। छिलकौरी की जनता क्यों आपको वोट करे? बोला भी हमको कि ऐसे मौका दिए थे और फिर हमको अगर मौका समय देंगे तो हम सेवा करेंगे। अच्छा, पूर्व में भी आपको मौका मिला था, तो आपने उस वक्त कितना क्या काम किया था, लोगों के चेहरों पर कितनी क्या मुस्कानें आई थी आपके चेहरे में? हम तो हर जगह इंदिरा आवास बनवाए थे, उस वक्त तो 20,000 रुपया मिलता था और अभी तो 1.5 लाख मिलता है, फिर भी 1.5 लाख में भी घर नहीं बन पाता। अगर जनता ने मौका दिया तो हम फिर वही काम करेंगे जो पूर्व में हम करते थे, और हमारा जैसे धर्म रहेगा तो सेवा करना होगा। छिलकौरी की क्या अभी वर्तमान में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप मुद्दा बनाएंगे या फिर आप किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? हम तो विकास का मुद्दा बनाएंगे। विकास का मुद्दा? अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश यादव। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती जी बताइए, किस पद से, कौन से पंचायत से आपने दावेदारी दी है? मुखिया से। कौन सा पंचायत? छिलकौरी पंचायत। अच्छा, पूर्व में भी आप मुखिया रही हैं क्या? मुखिया। सरस्वती देवी जिंदाबाद। पंचायत राज छिलकौरी जिंदाबाद। हाथ हाथ मिले लीजिए, 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 हाथ ह